नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चिक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे 3 इंग्रेडिएंट के साथ मैंगो कुल्फी बनाना। बिल्कुल मार्केट की तरह यहाँ पे हम कुल्फी बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमारा मैंगो होगा। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले मैंगो लेना है। उसको हम छोटे छोटे पीसेज में कट करके एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे अब हमारा मैंगो जो है वो अच्छे से कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारा मैंगो एक जार में निकाल लेंगे। अब जार के अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे फिर हमारा मैंगो प्यूरी बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 10 इलायची लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कूटने वाले में डाल करके इसको अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पे अब हमारा इलायची पाउडर भी रेडी है। अब यहाँ पे हमें दूध में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध लेना है। अब हम मेज़र करके ग्लास के अंदर 1 ग्लास दूध हम निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1 ग्लास दूध जो हमने निकाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो फ्लेम रखना है वो बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पे हमें दूध को हिलाते रहना है और साइड साइड में मलाई ना जमे, इस बात का भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर निकालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा भी लम्स ना रहे। इस बात का हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ देखिए दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो आधी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डाल करके इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमारा चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल करके हम इसको दोबारा से हिलाते रहेंगे। अब यहाँ आके हमें क्या करना है, फ्लेम जो है बंद कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बाउल में मैंगो प्यूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें एक बाउल ही मैंगो प्यूरी लेना है। उसके बाद हम दूध के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने कस्टर्ड मिल्क बनाया था वो हम दूध के अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ अब हमारा मैंगो कुल्फी जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारा मैंगो कुल्फी जो है ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, करछी का यूज़ करके हम ग्लास के अंदर मैंगो कुल्फी अच्छे से भर देंगे। अब हम मैंगो कुल्फी को फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे क्रिस्टल इसके अंदर बिल्कुल भी ना जमे और इसको हम कम से कम 1 दिन के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। एक दिन के बाद यहाँ पे हमारा मैंगो कुल्फी जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए, आप छू करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्लास को दो हथेली के बीच में रख करके हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा कुल्फी निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कुल्फी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा मैंगो कुल्फी बन करके तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल मार्केट की तरह बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसे लगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं डेली नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।